रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निमित अपने ससुराल में अपने पति सिद्धार्थ और सास अमृता के साथ रहा करती थी। निमित को अपनी सुंदर और लंबे नाक पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। साथ ही वो एक नंबर की आलसी लड़की थी। वो घर का सारा काम छोड़कर पूरा दिन सिर्फ टीवी देखती रहती थी या फिर सोती रहती थी, और अगर कोई उसे कुछ बोल देता तो वो अपनी लंबी सी नाक और मुंह को टेढ़ा करके वहाँ से चली जाती और मुंह फुलाकर बैठ जाया करती। ऐसे ही एक दिन, निमित बहू, अपने लंबे नाक कुत्ते हाइलाइटर लगान दा काम हो गया होए, उसने चमका लिया होए, ते हुन इस कर दा काम भी कर ले, शांति नहीं आएगी कुछ दिन, जदो तक लॉकडाउन लग गया है। माझी, कौन सा किसी को बाहर जाना है, आराम से होता रहेगा काम, अभी मेरा मूड नहीं है काम करने का। निखसमा नु खानिए झाड़ू पोचे पांड्या दे केड़े हाथ पैर लगे ने, जेड़े ओ आपे साफ हो जानगे। हाय हाय, जदों तक तू अपनी लंबी नक तो ध्यान हटा के अपने प्यारे प्यारे हत्था नाल उनां नु मांझ नहीं लेंगी ना, ओना चेर तक कम नहीं होना। अरे हद होती है माजी, आपका तो ना हर टाइम ये भजन साना बस चालू ही रहता है, मेरी बहू ये, मेरी बहू वो, अरे कभी कुछ बोलने के लिए छोड़ भी दिया करो। उप्स, मैं तो भूल ही गई थी, शांति तो तब आएगी ना जब शांति यहाँ पर होगी, और अगर सारा काम मुझे ही करना है तो मैं खुद कर लूंगी, लेकिन प्लीज आप ना मुझे बार बार काम करने के लिए फोर्स मत कीजिए। इतना बोलकर निमृत गुस्से में अपने रूम में चली जाती है और अपना गुस्सा शांत करके वो मिरर के आगे बैठकर अपनी नाक को देखते हुए खुद से बातें करते हुए बोलती है, क्या पहनूं अपनी सुंदर सी नाक को और सुंदर बनाने के लिए, लॉन्ग पहनूं या नोज पिन पहनूं। हाय, तो कुछ भी पहन ले निमृत, जो पहनेगी ना टोटा ही लगेगी एकदम। इतना सोचकर वो अपने फोन में नए नए डिजाइन्स की लॉन्ग और नोज पिन्स देखने लगती है। वहीं अमृता कुछ टाइम के लिए निमृत का इंतजार करती है कि वो कब आकर घर की साफ सफाई करेगी, लेकिन निमृत को खुद को सजाने से फुर्सत मिलेगी तभी तो वो घर का काम करेगी। जहां एक तरफ अमृता ये सब सोच रही होती है तो वहीं दूसरी तरफ निमृत फोन में नोज पिन देखते देखते वहीं सो जाती है। अमृता जब उसके कमरे में आती है और उसको ऐसा सोते हुए देखती है तो वो गुस्से में आकर खुद ही घर का सारा काम कर लेती है, और थोड़ी देर बाद अमृता निमृत को आवाज देते हुए बोलती है, एक करम जली नि तेरी नींद पूरी हो गई हो ता हुन उठ जा, या तेरे हिस्से दा उठू भी मैं ही, तेरे सिर ते कर दी जिम्मेदारी छड़ना ना, तम बेकूफी है बहुत वड्डी, पता नहीं केड़े पाप कीते सी मैं जो तेरे वर्गे नकम्मी बहू मिली मेनू। हाय, अब क्या हो गया मेरी सासू माँ को, कौन सी काली चंडी आ गई इनमें जो रात को भी कीर्तन करना शुरू कर दिया, जब देखो बस चिल्लाती रहती है। इतना बोलकर निमृत मुंह बनाते हुए बाहर जाती है, जहां वो देखती है कि अकेले अमृता घर का सारा काम कर चुकी होती है और खाने के टेबल पर उसका खाने के लिए इंतजार कर रही है। निमृत के आते ही दोनों सास बहू एक साथ खाना खाती हैं और अमृता गंदे बर्तन लेकर जैसे ही उठती है तो उसकी कमर में जोर से दर्द होता है और वो दर्द से चिल्लाते हुए बोलती है, आए, मर गई, हाय हाय, बुढ़ापे च मेरी कमर बल खा गई, हाय। इतना बोलकर अमृता एक बार फिर से चेयर पर बैठ जाती है और अपनी सास की कमर को देखकर निमृत सारे बर्तन किचन में रखकर अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, इस उम्र में इतना काम करोगी तो दर्द तो होगा ना, मैंने बोला था ना आपको कि मैं कर दूंगी, फिर क्या जरूरत थी काम करने की। बड़ी आई तो कम करने वाली, सारा दिन बस कूड़े बेच के सोंदी रहती है, सवेर तो रात हो गई, तू एक काम नु हाथ नहीं लाया। चलो अब गुस्सा थूक दो, बाकी का काम मैं कर दूंगी, आप मेरे साथ कमरे में चलिए, मैं मूव लगा देती हूँ, आपको आराम मिलेगा दर्द में। नहीं तो पहला ही मन जांदी ता मेनू इन्ना लक पीड़ ता ना सहना पेंदा, तेरे करके आज मेरा लक टूटन हो रहा है। अरे बस भी करो माजी, कितना सुनाओगी अब, नहीं करूंगी ऐसा कुछ भी, बोल दिया ना।
निमृत अमृता को उसके कमरे में ले जाकर उसकी कमर पर मूव लगा देती है और थोड़ी देर तक उसकी कमर दबाती है। थोड़ी देर बाद घर का बचा हुआ काम करके वो भी अपने कमरे में सो जाती है। ऐसे ही अमृता और निमृत की आए दिन किसी न किसी बात पर लड़ाई हो जाया करती। और एक दिन निमृत अमृता से लड़ाई करने के बाद घर के बाहर गार्डन में पौधों में पानी देने के लिए चली जाती है। तभी एक कीड़ा उसकी नाक पर काट लेता है और निमृत चिल्लाते हुए घर में जाती है और बोलती है, माँ जी देखो मेरी नाक पर किसी कीड़े ने काट लिया, बहुत दर्द हो रहा है। अमृता उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है और टीवी देखने लगती है। तो वहीं निमृत अपनी नाक को पकड़ कर रोते हुए जाकर सो जाती है। ऐसे ही जब अगले दिन निमृत उठती है तो उसकी नाक लाल हो रखी होती है और उसे लाल रंग का मोटा दाना हो जाता है। जैसे ही उसकी ये लंबी नाक अमृता देखती है तो वो हंसते हुए बोलती है, बड़ा बोल दीसी ना मेरी लंबी नाक को, ले तेरी लंबी नाक ता गोल होगी, देखते सही किन्ना वधिया टमाटर बरगा लाल दाना निकल आए और ता तेरा कमंड चूर चूर हो जूगा। बाजी मेरी नाक में इतना दर्द हो रहा है और आपको मजाक सूझ रहा है, देखो कितना मोटा लाल सा दाना निकल गया, बहुत दर्द हो रहा है। निमृत गुस्से में अपनी नाक पर निकले बड़े से लाल रंग के दाने को फोड़ लेती है, जिससे उसकी नाक का दाना अगले दिन और ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द भी होता है। ऐसे में वो दर्द से रोती हुई अपनी सास के पास जाकर बोलती है, माँ जी मेरी नाक पे पहले से भी ज्यादा दर्द हो रहा है। नहीं हुण क्यों रो रही है, नाले तिन्नू किन्ने कयासी कि अपनी नाक ते कच्चा दाना फोड़ दे और देख लिया नतीजा। माँ जी आप मुझे सुना क्यों रही है, दर्द के मारे मेरी जान निकल रही है, मेरी मदद करने की बजाय आप मुझ में कमियां छाटने में लगी हुई है। लगदा है कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है इसनु, पर इस लॉकडाउन च मैं इसनु किस हॉस्पिटल च लेके जावा, जिथे जाओ उथे कोरोना दे पेशेंट है। की करा हुन मैं, की करा मैं ता फंस गई। आले तू अब पेन किलर खा ले, फिर मैं देखती हूँ कि आगे की करना है। निमृत पेन किलर खा लेती है जिससे उसकी नाक का दर्द थोड़ा कम हो जाता है, पर दवाई का असर खत्म होते ही उसकी नाक का दर्द फिर से शुरू होता है। अमृता अपनी बहू को दर्द में नहीं देख पाती और खुद केमिस्ट की शॉप पर जाकर अपनी बहू की हालत के बारे में बताकर वहाँ से दवाई ले आती है और पूरी रात जाकर उसकी देखभाल करती है। अपनी सास का अपने लिए ऐसा प्यार देखकर निमृत की लंबी नाक का घमंड हमेशा के लिए चकनाचूर हो जाता है और वो अपनी सास से कहती है, मैंने आपसे बहुत बदसलूकी की, इसीलिए मुझे आपसे माफ़ी मांगनी है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। निमृत को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो वक्त रहते अमृता से माफ़ी मांग लेती है और अमृता भी उसको अपनी बेटी समझकर माफ कर देती है। और कुछ ही दिनों में निमृत की नाक बिल्कुल ठीक हो जाती है और ठीक होने के बाद निमृत अपनी नाक को निहारना बंद कर देती है, साथ ही अपनी सास के साथ सभी कामों में हाथ बटाती है और उनसे लड़ाई भी नहीं करती। और फिर दिन पर दिन दोनों सास बहू के बीच प्यार जागने लगता है और दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये लंबे नाक वाली बहू की कहानी, क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।